तो इसके आप लोग अभी बजट 15,000 है और आप लोग एक गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिया और आप लोगों को एक भी अच्छा गेमिंग फोन नहीं मिला, तो आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा बेस्ट गेमिंग फोन नहीं, एक नहीं, आप लोगों को 4 ऐसे बेस्ट गेमिंग फोन बताऊंगा जो आप लोगों के बजट के अंदर भी आएगा 15,000 के, और साथ ही साथ 5G भी होगा और सबसे ज्यादा बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को Redmi Note 10S के बारे में नहीं बताने वाला है, क्योंकि वो जो फोन है बहुत ज्यादा पुराना है। आई नो उसके अंदर हम लोग को परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है, लेकिन अभी के टाइम के अंदर उसके अंदर हम लोग जो परफॉर्मेंस वो ठीक ठाक देखने को नहीं मिलता, इसके वजह से मैं उस फोन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आप लोगों को वो वाला फोन लेना तो आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर वो वाला फोन है ही नहीं हमारे लिस्ट के अंदर। और बाकी मैं जितने भी फोन्स बताऊंगा आप लोगों को जो सबसे बेस्ट बाय लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग बाय कर लेना, आप लोगों को बेस्ट ऑफर्स मिल जाएगा। तो बिना कोई देरी के चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे लास्ट नंबर से, मतलब हम लोग फोर्थ नंबर से स्टार्ट करके 1 नंबर पे ऐसे जाएंगे। तो हमारा फोर्थ नंबर पे जो आता है वो है रियलमी 9 5। इसके अंदर जो हम लोग को प्रोसेसर मिलता है वो है डायमेंसिटी का 810 प्रोसेसर, और ये 5G प्रोसेसर है और बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप लोगों को नॉर्मल गेमिंग करना है, नॉर्मल नहीं, अगर आप लोगों से मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा हाई गेमिंग करना है और आप लोग कोई भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं करते हो वीडियो और आप लोगों का बजट 15,000 से कम है या फिर 15,000 है, तो ये जो प्रोसेसर है सबसे ज्यादा बेस्ट बोलूंगा मेरे, मतलब अगर कोई भी फोन के अंदर लगा हुआ है बस आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना। अगर आप कोई भी फोन के अंदर ये वाला प्रोसेसर लगा और आप लोग को 15,000 के नीचे मिल रहा है तो कोई आग बंद करके आप लोग ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। बस जो स्पेसिफिकेशन अंदर का थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि मैं जितने भी फोन देख रहा हूँ सबका अंदर का सब जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरा चेक करा, उसके बाद फिर आप लोग को ये वाला फोन मैं बता रहा हूँ। बाकी जो रियलमी 9 5G ये फोन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था पहले से ही, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को जो गेमिंग के लिए चाहिए रहता वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर हम लोग जो प्रोसेसर मिलता है डायमेंसिटी का 810 प्रोसेसर मिलता है 5G, और यहाँ पे डिस्प्ले का बात करें तो 6.5 इंच का हम लोग को IPS डिस्प्ले मिल जाता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और सबसे मेन बात 240Hz का टच सेलमिंग रेट मिलता है। मतलब अगर आप लोग 2 finger, 3 finger, 4 finger, 5 finger, 7 finger, 8, 9, 10, 11, 12, 21 finger तक भी आप लोग अगर खेलोगे ना इसके अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि इसका जो टच सेलमिंग रेट है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं बोलूँगा हर एक फोन के अंदर कम से कम 240Hz का टच सेलमिंग रेट तो देना ही चाहिए, और इसके अंदर हम लोग को 240Hz का टच सेलमिंग रेट मिलता है। तो ये बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। बैटरी के अंदर हम लोग को मिलता है 5000mAh का बड़ा सा बैटरी मिल जाता है और 18W के फास्ट चार्जर के साथ। अब चार्जिंग थोड़ा सा स्लो दे दिया चार्जर, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि 15,000 के अंदर और क्या ही चाहिए। आप लोगों को 5G मिल रहा है, इतना अच्छा सा डिस्प्ले मिल रहा है, और इतना सा हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो कैमरा है, कैमरा भी आप लोगों को ठीक ठाक ही मिल जाता है। मतलब 15,000 के अंदर मैं बोलूँगा एकदम सही कैमरा दिया है, 48MP का बैक के अंदर दिया है और फ्रंट के अंदर 16MP का। अब इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं बात करना चाहूँगा, क्योंकि डिटेल में बात करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, मतलब एक ही पूरा फोन का वीडियो बनाने जाऊँगा तो 10 से 12 मिनट का बन जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा जल्दी से जल्दी खत्म करने का ट्राई कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो BGMI और PUBG मोबाइल के अंदर ग्राफिक सपोर्ट है वो हम लोग को मिलता है स्मूथ प्लस अल्ट्रा और HD+ हाई तक का। यहाँ पर अगर आप लोग GFX या फिर जुगाड़ वुगाड़ करे पे कुछ भी करके अगर आप लोगों को 60FPS एनेबल करना है तो आप लोग कर सकते हैं, 90FPS भी एनेबल कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा 60FPS तक करो लास्ट, मैक्स टू मैक्स अगर करना भी है तो उसके अंदर आप लोगों को बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये जो फोन का मतलब बाय लिंक रहेगा, जो बेस्ट बाय लिंक, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से जाकर बाय कर लेना, सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफर आप लोग वहीं पर मिलेगा। तो अभी बात करते हैं हमारे नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 के अंदर मैंने रखा है IQ Z6। अब इस फोन का मतलब मैं रखने वाला नहीं था गेमिंग के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों का डिमांड रहता है कि भाई ये वाला फोन जो है आप लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बेस्ट गेमिंग हम लोगों को परफॉर्मेंस निकाल के देखता है, इसलिए मैं ये वाला फोन को रखा हूँ। और ये भी फोन जो है ये 5G फोन है। इसके अंदर जो हम लोग को प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन का 695। अब ये जो फोन है मतलब प्रोसेसर है मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, स्नैपड्रैगन 695 मेरे को पता नहीं क्यों दे दिया, कम से कम मेरे को 7 सीरीज़ के अंदर इसका नाम तो डालना ही चाहिए था, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी कंपनी वालों की मर्जी, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 695 और 6.58 इंच का हम लोग IPS डिस्प्ले मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का हम लोग को टच स्क्रीन रेट भी मिल जाता है। मतलब आप लोगों को गेमिंग करने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोगों को 21 फिंगर ईजिली खेल सकते हो। और हाँ, 21 फिंगर कोई आम आदमी नहीं खेल सकता, वो सिर्फ लेजेंड लोग ही समझ सकते हैं, और कौन लोग खेलते हैं वो आप लोग कमेंट के अंदर बता देना। और बाकी इसके अंदर हम लोग को 5000mAh का बड़ा सा बैटरी मिल जाता है और 18W के फास्ट चार्जर के साथ। और कैमरे का बात करें तो कैमरे के अंदर हम लोग को 50MP का बैक के अंदर, फ्रंट के अंदर 16MP का। और BGMI और PUBG मोबाइल के अंदर हम लोग को जो ग्राफिक सेटिंग मिलता है वो है स्मूथ प्लस अल्ट्रा और HD+ हाई तक का। लेकिन मैंने इस फोन को देखो, फोन जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकाल के देता है, लेकिन मैं ये फोन को इसलिए नहीं रखता अपने लिस्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को जायरो का कोई सेंसर नहीं मिलता है। इसके अंदर हम लोग को जायरो के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, थोड़ा सा डिले होता है, इसके वजह से मैं ये वाला फोन को नहीं रखता। लेकिन अगर आप लोग नॉन जायरो प्लेयर हो या फिर आप लोग फ्री फायर या फिर कुछ भी हो सब खेलते हो तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन आप लोग अगर जायरो प्लेयर हो, फुल जायरो प्लेयर, तो मैं बोलूँगा ये फोन आप लोग हटा दो अपने लिस्ट से। लेकिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस फोन को, क्योंकि गेमिंग के अंदर इसका नाम आता है 15,000 के अंदर, इसलिए मैंने इस फोन को रखा है। बाकी मैं बोलूँगा ये फोन को तो छोड़ ही दो, मतलब सबसे ज़्यादा।
अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग दूसरा फ़ोन है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो बात करते हैं हमारे सेकंड लिस्ट के सेकंड नंबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल के अंदर सब कुछ मतलब आता है। अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इन्फॉर्मेटिव आता है, न्यूज़ वाला वीडियो चाहिए तो वो भी आता है, और बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के जो आप लोगों को प्रॉफिट के लिए मतलब गेमिंग के अंदर काम आएगा वो सब वीडियो भी आता है, गेम प्ले आता है, मोनेटाइज आता है, मतलब हर एक टाइप का मैं वीडियो छोड़ता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बन सकते हो, मतलब आगे तक जा सकते हो, हम लोग बहुत सारे आगे चीज़ें करते रहेंगे और आप लोगों के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें भी करते रहता हूँ। तो इसके वजह से आप लोग चाहे तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के मतलब करियर के लिए बताते रहता हूँ, ई स्पोर्ट के अंदर, उसके बाद गेमिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ बताते रहता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, बाकी सब आपकी मर्जी। अगर आप लोग गेमर हो तो ही सब्सक्राइब करना, वरना तो आप लोग अगर फोन देखना है तो कोई बात नहीं, वीडियो देखो और उसके बाद फिर चले जाओ, या फिर अगर आप लोगों को करियर बनाना या फिर आप लोग एक गेमर तो मेरे चैनल को देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो, पहले वीडियो चेक कर लेना उसके बाद फिर सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो। तो बढ़ते हमारे लिस्ट नंबर सेकंड के तरफ। तो सेकंड के अंदर मैंने रखा है मोटो G62 5G। अब ये जो फोन है लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मतलब अगर 15,000 के अंदर बजट है किसी का तो ये फोन मैं बोलूँगा ले लो भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा फोन है। इस फोन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करना चाहेंगे ना कौन सा फोन आता है, तो मैं बोलूँगा IQ Z6 इसका बेस्ट कंपेटिटर है, मतलब दोनों एकदम बेस्ट है, लेकिन जो हम लोग मोटो G62 5G है ना उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा बेस्ट चीज़ मिल जाता है गेमिंग के लिए, इसके वजह से मैंने इसको नंबर 2 के अंदर रखा है। और ये जो फोन है लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बाकी बहुत सारे लोग मोटो को बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा भाई इसके अंदर दिक्कत ही क्या है, इसके अंदर हम लोग को स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है, सब कुछ हम लोग को मिल जाता है इसके अंदर, तो हम लोग मतलब क्यों ना ले इस फोन को। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसका अच्छा ही कर दिया, तो चलो अभी हम लोग इसका वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैंने इसका जो स्पेसिफिकेशन वो आप लोगों को नहीं बताया, तो इसका स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर हम लोग को मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 5G वाला प्रोसेसर, सेम प्रोसेसर जो हम लोग को बहुत, मैं बोलूँगा ये जो प्रोसेसर है मिड रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट है, अगर आप लोगों का बजट 15,000 है तो ये जो है बेस्ट प्रोसेसर है। और 6.5 इंच का हम लोग को IPS डिस्प्ले मिल जाता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब रिफ्रेश रेट, उसके बाद फिर जो टच सैमलिंग रेट है पूरा IQ Z6 है, यहाँ पे आप लोगों को 240Hz का टच सैमलिंग रेट मिलता है ईजिली, यहाँ पे भी आप लोग 21 फिंगर खेल सकते हो बहुत ज़्यादा आराम से। लेकिन अगर गाइस मजाक से हटके अगर मैं बोलूँ ना, ये फोन जो मेरे को गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन पता नहीं मेरे को कि इस फोन को मतलब मोटो वाले फोन को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जिन्होंने भी मोटो फोन यूज़ किया है उनको पता है कि ये जो फोन का परफॉर्मेंस है कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा अच्छा फोन है ये। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, किसी को फोन पसंद आता है किसी को नहीं आता। बाकी हम लोग इसका अभी आगे जो और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर हम लोग को 5000mAh का बड़ा सा बैटरी मिल जाता है, 20W का मतलब 20W का हम लोग को चार्जर भी मिल जाता है, और मैं बोलूँगा 20W ठीक है कम से कम, मतलब बाकी जितने भी फोन दे रहे हैं उनसे तो ठीक ही है। और इसके अंदर हम लोग को जो कैमरा मिलता है 50MP का बैक के अंदर मिलता है, 16MP का फ्रंट के अंदर मिल जाता है। और कैमरा जो है मैं बोलूँगा बेस्ट कैमरा है, क्योंकि मोटो का मैं पहले ही बोलता हूँ कि जो चीज़ रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है स्टॉक एंड्रॉइड की वजह से, इसका जो मतलब कैमरा परफॉर्मेंस वो भी मेरे को बढ़िया लगता है, पता नहीं क्यों मोटो का मेरे को जो कैमरा वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया लगता है, इसका मेगापिक्सल कम भी होगा, सेंसर कम भी रहता है, तो इसका जो परफॉर्मेंस रहता है कैमरा का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और BGMI का बात करते हैं, स्मूथ प्लस अल्ट्रा का आप लोग को डिफॉल्ट के अंदर सेटिंग मिल जाता है, और स्मूथ प्लस हाई का, और आप लोग चाहे तो आप लोग इसको जुगाड़ करके 60Hz कर सकते हो, 90Hz भी कर सकते हो, मैं बोलूँगा 60Hz तक करना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और जो बेस्ट बाय लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाय कर लेना, सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे बाय लिंक में देता हूँ। और अभी बात करते हैं हमारे नंबर 1 का, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दो, अगर आप लोग गेम लवर हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सो बढ़ते अभी हमारे नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 के अंदर मैंने रखा है Tecno Poa 5G। अब ये जो फ़ोन है लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अगर आप लोग सिर्फ गेमिंग करना चाहते हो ना, अगर आप लोग कोई भी कंपनी देख के नहीं मतलब आप लोग कंपनी से मतलब ही नहीं है, कोई भी कंपनी रहने दो, लेकिन बस हम लोग को गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिलना चाहिए और परफॉर्मेंस मिलना चाहिए सिर्फ, तो मैं बोलूँगा Tecno Poa 5G की तरफ जाओ आप लोग बहुत ज़्यादा। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था अभी इसका जो प्राइस है 22,000-21,000 था, लेकिन अभी इसका जो प्राइस है 14,000-15,000-16,000 के अराउंड रहता है, तो आप लोग इस फोन को चेक कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग को प्रोसेसर मिलता है Dimensity का 900 प्रोसेसर मिलता है, 6.9 इंच का बड़ा सा बैटरी मिल जाता मतलब डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी IPS डिस्प्ले, AMOLED नहीं मिलता जितने भी फोन बताया आपको, एक के अंदर भी AMOLED नहीं मिलता, और 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और 240Hz का टच सैमलिंग रेट भी मिल जाता है, मतलब ये जो फोन आप लोगों को एकदम गेमिंग पैकेज दे रहा है 15,000 के अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और 6000mAh का बड़ा सा बैटरी दे रहा है, और 18W का चार्जर भी दे रहा है, और साथ ही साथ 50MP का बैक के अंदर और फ्रंट के अंदर 16MP दे रहा है, मतलब भाई बोलने जाऊंगा तो थक जाऊंगा, पूरा गेमिंग का मतलब एकदम मास्टरपीस है, पूरा सब कुछ गेमिंग के लिए भरा गया इस फ़ोन के अंदर। तो आप लोग चाहे तो 15,000 के अंदर इसका ले सकते हो। और जो BGMI का ग्राफिक सेटिंग का बात करें तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम और HDR+ Ultra तक का सपोर्ट मिलता है, और इससे ज़्यादा बेस्ट आप लोगों का परफॉर्मेंस कोई भी फ़ोन नहीं देने वाला, तो इस फोन को आप लोग ज़रूर चेक कर सकते हो। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोगों को जो फ़ोन लेना है वो आप लोग ले सकते हो, मेरा ओपिनियन से ये वाला फोन सबसे ज़्यादा बेस्ट, इसलिए मैंने इसको टॉप के अंदर रखा है। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना, आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं बोलूँगा किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, इंस्टाग्राम के अंदर आ जाओ, वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, और आप लोग कुछ भी डाउट रहेगा वहाँ पर जाकर क्लियर कर देना, तो आ जाओ इंस्टाग्राम के अंदर, फॉलो कर लो।